हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल के पी सना व्लॉग्स। और आज बहुत ही मुश्किल से मैं व्लॉग एडिट कर पाई हूँ। टाइम ही नहीं मिलता यार, संडे का व्लॉग है अब एडिट कर रही हूँ। सब लोग ये बोल रहे हैं कि डेली व्लॉग्स वाले चैनल में रोज़ व्लॉग्स डालने पड़ते हैं, वरना आप चैनल ग्रो नहीं कर पाओगे। इसी वजह से शायद 2 साल से मेरा चैनल रुका पड़ा है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी बहुत रहती है। तो संडे का दिन था, खाने की तैयारी कर ली थी और थोड़ा लेट आज ब्रेकफास्ट करती, जिसमें मैंने खाई जूसी से वाटरमेलन बस, क्योंकि गर्मी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा, तो सोचा आज थोड़ा सा ना लाइट सा मैं ब्रेकफास्ट रखूँ। और यहाँ पर बन रहे आलू चने की सब्ज़ी, क्योंकि संडे वाले दिन मेरी दीदी ने कुकिंग किया था, तो दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बट वो ये है कि मैं उसे कभी मौका नहीं देती बनाने का, क्योंकि मुझे कंटेंट निकालना पड़ता है। बट उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो यहाँ पे कुकर लिया, उसमें डाला तेल, तेज़पत्ता, जीरा, उसके बाद डाला प्याज। और दीदी को व्लॉगिंग करवाना इतना नहीं पसंद था, दीदी ने बोला मेरा चेहरा मत लेना बस, अगर तुम्हें रिकॉर्ड करना है तो तुम कर सकती हो बस। तो उसने मुझे इतनी ही परमिशन दी थी। उसके बाद जैसे मसाला रेड, प्याज रेड हो गया, उसके बाद ये डाल दिया उसने सिलवट पर मसाला पीस करके, उसने अपने हाथों से मसाला पीसा था। और आज तो सब्ज़ी की अलग ही मतलब मज़े आ गए थे, क्योंकि खाना बहुत अच्छा बना था। मेरी दीदी बहुत ही यमी यमी सा खाना बनाई थी। तो डाला धनिया पाउडर, फिर डाला हल्दी पाउडर, और फिर उसने डाला लाल मिर्ची पाउडर। ठीक है, वैसे तो हम लोग सिलवट का मसाला खाते हैं, पर इस बार हमने थोड़ा सा मसाला कम रखा था, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, इतना मसालेदार खाया नहीं जा रहा, और इसी वजह से। और आलू चने की एकदम झोल वाली जो सब्ज़ी होती है ना, एकदम पतले झोल वाली जो सब्ज़ी होती है बिहार स्टाइल में, वैसा हम लोगों ने बनाने का सोचा था। तो यस, जैसे ही मसाला अच्छे से रेड हो गया, एक उसने तेल छोड़ दिया, उसमें डाल दिया 3 बारीक कटे हुए टमाटर। और पता है क्या, मेरे ना किचन में ना लाइट बहुत कम है, ठीक है, तो और मैं सोच रही हूँ कि एक रिंग लाइट ले ही लेती हूँ, बट अभी नहीं, थोड़ा आगे लूँगी, क्योंकि ये महीना इतना ठीक नहीं रहता है, मेरी मम्मी ने बोला। तो जुलाई वगैरह अच्छा महीना रहता है, थोड़ा सावन वगैरह आ जाता है, तो कृपा रहेगी भगवान की, तो फिर ठीक रहेगा। क्योंकि क्या है ना, मैंने एक एक इक्विपमेंट मेरे लिए बहुत खास है। मैंने जब ट्राइपॉड मंगाया था, तब मैंने गणेश चतुर्थी के टाइम मंगाया था, तो मैंने सोचा कि यस ऐसे ही टाइम पे मंगाते हैं। फिर टमाटर जब डाला और वो गल गया, और देखो ऑयल कितना अच्छा सा साइड साइड आया है। देखो मेरे कैमरे में ना फ्लैश लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो उस वजह से कैमरे की क्वालिटी देखो। अरे मेरी दीदी का फ़ोन है, उसने एकदम मस्त लिया हुआ है, तो हाँ जब दीदी होती है तो मैं उसी से करती हूँ। पता है ट्राईपॉड भी मैंने बहुत सोच समझ के लिया था, थोड़ा मैंने हैवी स्टैंड्स वाला ही लिया था, तो इस बार भी रिंग लाइट भी ऐसे ही लूँगी। और यहाँ पे चलते सब्ज़ी की तरफ। टमाटर एकदम अच्छे से गल गए थे, बस उसको करछी मार मार के थास दिया और एकदम अच्छे से कर दिया। एक तरफ मसाला भून रहा था, दीदी सब्ज़ी को देख रही थी, तो संडे का दिन था तो सभी लोग छुट्टी पे थे, तो बर्तन कौन देगा। और मेरा फेवरेट काम है बर्तन धोना। पहले मुझे बर्तन धोने में बहुत मौत आती थी, बट जब आप कुछ काम करना बीच में छोड़ देते हो और एकदम से आपको मिलता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो यस, मैंने बर्तन धोए काफ़ी टाइम बाद, और मुझे बहुत अच्छा आनंद लग रहा था। बहुत सारे लोगों को ये बात बेकार लग रही होगी, बट मैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती हूँ, बिकॉज मेरा नाम खुशी प्रसाद है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ। और पता है कि अपने हाथों का काम किया ना, बहुत ही अलग ही सुकून देता है। बर्तन मांजे, उसको अच्छे से खंगार करके शेल्फ में टांगा, और बहुत प्यार से एक एक चीज़ को अपने हाथों से संभाला। और ऐसा होता है ना कि जब हम लोग कोई चीज़ बहुत स्टार्टिंग से करते आते हैं, बीच में छूट जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये काम मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बट जब हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में मुझे खुशियाँ ढूंढना पसंद है। फिर मैंने अपने सिंक को धोया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंक काफ़ी गंदा हो गया है, और जब हम काम किसी और को सौंप देते हैं तो वो ठीक से नहीं होता है, चाहे आप कितना भी उस पर इन्वेस्ट कर लो, बट कोई बात नहीं, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा होता है कामगर। बट ओके, मैं पता नहीं क्यों इतना भाषण दे रही हूँ, बट हाँ। और अगर आपको वॉइस ओवर के पीछे से आवाज़ आ रही है, तो जी हाँ, मेरे घर में थोड़ा बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो इन्हें आप प्लीज़ नेगलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे चावल लिया, उसको हमने फ़िल्टर के पानी से अच्छे से धोया। पानी तो इतना गर्म आ रहा है, इतना गर्म आ रहा है, पूछो मत। फ़िल्टर का पानी भी इतना गर्म आ रहा है, और अच्छे से हम लोग ने चावल को धो करके रख देंगे। मतलब हम ना 4 पानी चावल धोते हैं, क्योंकि हम बिहार से हैं, तो हम लोग चावल ही ज़्यादा खाते हैं, इसलिए चावल ज़्यादा लेते भी हैं। और यहाँ पर अच्छे से फिर चावलों को फ़िल्टर वगैरह से धोने के बाद इसे हम 5-10 मिनट पानी में रख देंगे, जिससे कि उसका एक्सेस स्टार्च जो है वो निकल जाए, अच्छे से चावल साफ़ हो जाए और टाइम भी कम लगे पकने में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दीदी भी किचन में आ गई थी, और दीदी ने बोला, दीदी कुछ कर रही थी शायद, तो मैंने बोला लाओ मैं ये आलू कट कर देती हूँ।
आलू को आपने जैसे कि देखा बहुत ही छोटा 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 कट करना है, बड़ा बड़ा साइज़ में कट नहीं करना है, एकदम छोटा छोटा कट करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम पानी, ठीक है। और क्या कहते हैं, पानी डालने के बाद हम लोग ना इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे फिर कुक होने के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे काले चने, ठीक है। आप लोग काले चने को अपने साइड पे क्या कहते हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो सब छोले बोलते हैं इसे, काले छोले, बट हम तो उसे काले चने ही बोलते हैं। चने को चने बोलो, छोले को छोले बोलो, बस बात खत्म। फिर उसको और अच्छे से हमने तेज़ आँच पे उसको मसाले के साथ भुना, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ी देर से हमने कुक होने दिया। यहाँ पे साइड में मैं चावल भी डाल रही हूँ। और यार पता नहीं क्यों आप लोग व्लॉग्स देखते नहीं हो या सब्सक्राइब नहीं करते, यार कर दिया करो सब्सक्राइब वगैरह, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो यार, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय या कभी भी, हमेशा से रहिए। 2 साल हो गए और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। मेरे तो खुद के दोस्त इतने मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, एक कमेंट नहीं करते हैं यार। ये सबके लिए जो भी देखते हैं कमेंट कर दिया करो, और एक कमेंट लिखने में क्या है, चले जाते हैं इतने व्हाट्सअप मैसेजेस करते हो, इतने ऑडियो भेज देते हो, एक व्हाट्सअप मैसेज के बदले मेरे को एक कमेंट ही कर दिया करो, और नहीं तो क्या। बस फिर और आप अपने सुविधा अनुसार पानी डाल दें कुकर में, क्योंकि हम लोग राइस के साथ खाते हैं तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ही लेते हैं। तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, वरना आप सूखी भी बना सकते हो। यहाँ पे मेरी दीदी फ़ोटो खींच रही थी, क्योंकि कहती यार मैंने आज काफ़ी टाइम बाद कुछ अच्छा बनाने के ट्राई किया है, तो मैं इसकी फ़ोटो खींचूँगी, खींचो। और मैं भी खींच रही थी, मैंने बोला चलो मैं भी खींच लेती हूँ थंबनेल वगैरह के लिए, क्योंकि थंबनेल वगैरह बनाना आपको लगता है बहुत इजी काम होता है, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल से ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके ऊपर धनिया पत्ता डाला और उसको हमने ढक करके रख दिया। 3-4 सीटियाँ आएंगी और उसके बाद आपका चने आलू की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। ये लौकी को देख के आपको कौन सी वेब सीरीज़ की याद आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो वेब सीरीज़ जो आजकल पूरे इंडिया में छाई हुई है और जिसे हम लोग बहुत ही मनपसंद से देखते हैं, जिसमें लौकी ही मेन रोल में है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लौकी देख करके कौन सी सीरीज़ की याद आ रही है, और आपने उसके कितने पार्ट देख लिए, और आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी लोग मुझसे चिढ़ते होंगे ना वो कमेंट नहीं करेंगे, और जो लोग मुझसे प्यार करते होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करेंगे कि हाँ हमने ये लौकी कहाँ देखी, हमारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो बस फिर लौकी को अच्छे से छील लिया है, उसको धो लिया है, और उसको कद्दूकस में हम लोग इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और फिर मैं बनाने जा रही हूँ आज लौकी का बहुत ही फेमस रायता। ये कहीं और फेमस नहीं है, ये मेरे घर में बहुत फेमस है, और इसकी रेसिपी मैंने बहुत ही स्पेशल इंसान से सीखी थी, जिससे अब मेरी बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है, मेरे को उसे देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हाँ, बट हाँ मैंने उसे सीख लिया। अब मैं क्या करूँ यार, मैंने सीख लिया तो सीख लिया, और क्या, सीखने के लिए तो अपनी आंखें चाहिए होती है। फिर लौकी को कद्दूकस करने के बाद हम इसे डालेंगे छोटे से पतीले में, और इसमें डालेंगे हम पानी। पानी को डालेंगे हम बिल्कुल एकदम लेवल पे, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, एकदम जहाँ पे लौकी है वहीं पे पानी होगा एकदम, आप देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे गैस पे बिठा देंगे। तो उस तरफ लौकी हो रही थी, और इस तरफ मैंने क्या किया, मैंने सिलबट्टा लिया और उस पर 1 चम्मच जो काली सरसों होती है, राई होती है, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया, ठीक है। 1 चम्मच था तो मिक्सर में नहीं पीसता, और जो स्वाद सिलबट पे आता है वो कहीं नहीं आता है। और मेरी मम्मी को जो चीज़ पसंद होती है मुझे वही चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत रेबेलियस चाइल्ड हूँ अपनी मम्मी का, मतलब मैं हमेशा मम्मी की अपनी बात काट देती हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं मेरी मम्मी की पसंद नापसंद। तो हम सेम सिलबट पे ही अब क्या करेंगे, अदरक और 4-5 लहसुन और 2 हरी मिर्च को कूच लेंगे। हमें इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसे रफली एकदम पीसना है, इसे कूचना कहते हैं। और एकदम कूचने के बाद क्या होगा ना, इससे आपके रायते में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये कोई पहाड़ी रायता, कोई बिहारी रायता, कोई यूपी रायता, ऐसा कुछ नहीं, ये खुशी का रायता है, मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने रेसिपी बताई है और मैं बहुत सारी रेसिपीज़ को देख देख के बनाती हूँ। तो यस, अगर आपको रायता लौकी का पसंद है तो मुझे बताना, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा रायता ये लौकी का। फिर हमने सिलवट को अच्छे से साफ़ वाफ किया और उसको हमने खड़ा करके रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब क्या करेंगे, कुकर में सीटी आया तो फिर मैंने ये लौकी को भी कुकर मतलब गैस पे चढ़ा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद हमें इसे बिल्कुल बॉयल नहीं करना, हमें बस एक उबाल आने देना है। जैसे ही हमारा फर्स्ट उबाल आ जाएगा हमें उसके बाद इसे बंद कर देना है। मतलब ऐसा मत करना कि आप इसे पकाया जा रहा है बिल्कुल भी नहीं, बस एक सिंपल एक पानी ऊपर आया और हमने बस उसे बंद कर दिया, छान करके हमने थाली में रख दिया,
ठीक है, थाली में छान करके रख देने के बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है, मतलब लौकी को हमें पूरा ठंडा करना है। ज़रा सा भी गर्म हुआ तो आपकी दही फट जाएगी, तो थोड़ा सा दही का जामन मैंने रख दिया। और ये घर की जमाई हुई एकदम फ्रेश दही है, बहुत मीठी मीठी एकदम मस्त जमती है। रायते के लिए लौकी भी एकदम ठंडी हो गई थी, बिल्कुल परफेक्टली एकदम कूल हो गई थी। उसके बाद क्या करेंगे, हम दही को अच्छे से लौकी के साथ फेंट लेंगे, ठीक है। अच्छे से इसे फेंटने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमने सारा सामान अपना रेडी किया है हम उसको डालेंगे। पर फर्स्ट क्या है, लौकी को दही के साथ फेंटना, और उससे क्या होता है, एक अच्छा फ्लफीनेस आता है, लौकी और दही कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद देखो आप, मैंने क्या किया, थोड़ा सा कलछुन जो है वो चढ़ा दिया, उसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च, और उसके बाद काला नमक, ठीक है, काला नमक डालेंगे, काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद देख लो आप, साइड में मैं तड़के के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें तड़का लगाएंगे तो और ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से क्या हुआ ना, मैं कम कर रही थी तो बंद ही हो गया, ऐसे सब ब्लंडर होते रहते हैं। कलछुल में डालेंगे थोड़ा सा नाम के लिए सरसों का तेल, और उसमें हम डालेंगे क्या कहते हैं, अपनी ब्लैक वाली राई, ठीक है, जो हमने पीसी थी, एकदम पीसा हुआ, साबुत नहीं डालना, जो हमने पाउडर बनाया था ना वो डालेंगे। और जैसे ही वो हल्का सा खुशबू आने लगेगा उसमें से, हम अपना जो भी हमने पेस्ट बनाया था हम उसको भी तेल में डाल देंगे, ठीक है। और उसको बस हमें थोड़ा सा ऐसे तेल में डिप करना है, पकाना नहीं है, सिर्फ डिप करना है। और उसके बाद हम इसे डाल देंगे अपने रायते में, ठीक है, जो हमने रायता फैला रखा है उसमें हम डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो आपका रायता जो है खाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है, और मेरा व्लॉग भी एंड होने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एकदम धनिया पत्ता डाल करके आप ये रायता इंजॉय कीजिए, व्लॉग इंजॉय कीजिए। कॉमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टे विद KP Cine Vlogs, बाय बाय।